तो ये शॉर्ट ट्रिक दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं मान लीजिए आपके पास 60 मीटर बाई 50 मीटर की स्लैब है, तो आप क्या एक एक रेनफोर्समेंट गिनते रहेंगे? ये यदि आपने 8 या 10 पॉइंट के चेकलिस्ट बना लिए तो आप कभी भी चेकिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में, और आज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो में बताने वाला हूँ कि आज आप जब भी काम करने जाते हैं या साइट पे काम करने जा रहे हों, बड़ी राफ्ट हो, छोटी पुलिया हो, छोटे कॉलम हो, छोटे बीम हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात और कॉमन सी चीज़ें जो इनमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली होती हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली कभी कभी जब आप काम करवाते हैं तो देखा होगा आपने कभी कभी कि ठेकेदार या फिर कभी मुंशी क्या करते हैं कि जो ये तार बंधता है, मीन्स जो तार बांधते हैं रेनफोर्समेंट में, कहीं कहीं छोड़ देता है एकदम। या तो क्या करेगा कि एक बांधेगा एक छोड़ देगा, एक बांधेगा एक छोड़ देगा। अब इसमें क्या समस्या आती है कि जब आप ढलाई करने जाएंगे ना तो आपको ये प्रॉपर अलाइनमेंट सीधा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन सी गलतियां होती हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि आज के इस 9 मिनट के वीडियो में आपको पता चलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कुछ कमी लगे तो ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं सुधार कर सकूं और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का रेनफोर्समेंट उसके BBS और ड्राइंग दोनों में मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। कभी कभी क्या केसेस होते हैं कि ड्राइंग की गलतियों की वजह से BBS गलत दे दिया जाता है, और जब छड़ बांध दिए जाते हैं तो ड्राइंग से मैच नहीं करेगा। पहली गलती है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड जो पॉइंट आता है कि आपने जो BBS बनाया है उसके हिसाब से साइट पे प्लेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल यही वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे सही प्लेसिंग है कि नहीं है। अब बात आती है दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब इस तरह का आपके पास राफ्ट आता है और वॉल आती है, तो सबसे पहले आपको मिस्त्री को ये बोलना है कि सारे जितने भी बाइंडर्स हैं या फिर जो भी रेनफोर्समेंट डालने थे वो सबसे पहले डाल दिए गए हैं कि नहीं। उसके बाद आपका जो काम है वो रफली पहले विजुअलाइजेशन होता है चेकिंग का, कि पहले बाइंडिंग सारा हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आपको बाइंडिंग करवाना ज़रूरी है। सेकेंड जो बात देखिए, इन दोनों वॉल में जो राइट साइड की वॉल है वो सीधी है और लेफ्ट साइड की वॉल है वो थोड़ा कर्व लेके है, मीन्स यहाँ पे आपको सीधा करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा कि यदि ये टेढ़ा रहेगा तो जब आप शटरिंग लगाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा समस्या आएगी और शटरिंग फिक्स होगा नहीं। अब यहाँ बात आती है कि आपको और क्या क्या चेकिंग्स करनी है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कौन से डाया का क्या होना चाहिए था, मीन्स 12 डाया का यदि मेन बार है तो 12 डाया का डला है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन 10 डाया का था तो 10 डाया का डला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात कि चेकलिस्ट में आप ये करेंगे कि दोनों वॉल के बीच में जितनी डिस्टेंस चाहिए होगी वो पूरी डिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब कैसे, यहाँ पे देख लीजिए नॉर्मल स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर का टेप निकलवाइए दोस्तों। कहीं भी आप बड़ी रेनफोर्समेंट हो या फिर बड़ा स्ट्रक्चर हो, 1 मीटर का निकलवाएंगे, उसमें रेनफोर्समेंट गिन लीजिए। अब जैसे देखिए इसमें 200 की स्पेसिंग है तो 1 मीटर में 6 रेनफोर्समेंट आएंगी। अब ये 6 आएंगी, इसका मतलब सही है कि 1 मीटर में जब 6 आ रहा है मतलब 200 की स्पेसिंग पे बांधा गया है। सेम आप बाइंडर में भी देख लीजिए, 1 मीटर निकलवाइए या 600 निकलवाइए, 600 में देखिए 4 हैं, 1, 2, 3, 4, तो मतलब आपका ये स्पेसिंग जो है या फिर जो मिस्त्री ने छड़ बांधा है वो ठीक है। अब डाया आपने मिला लिया है, अब दूसरी बात आती है कि बाइंडर्स की या फिर जो वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल में भी आपको 1 मीटर निकालना है। 1 मीटर का टेप निकाल के 1 मीटर में कितनी छड़ लगी है ये आप देख लीजिए। अब कहेंगे कि ये मैं छोटा बता रहा हूँ या बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं मान लीजिए आपके पास 60 मीटर बाई 50 मीटर की स्लैब है तो आप क्या एक एक रेनफोर्समेंट गिनते रहेंगे, इसलिए मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सेम यहाँ बाइंडर का भी देखिए, 600 निकाला, उसमें 4 रेनफोर्समेंट थी। अब देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है कि रेनफोर्समेंट तो आपने चेक कर ली, बाइंडर चेक कर लिया कि सही डाया का था कि नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग थी कि नहीं, प्रॉपर सारे जो क्रॉस सेक्शन हैं या सारे जो छड़ हैं जिनके जॉइंट हैं वो बांधे गए हैं कि नहीं। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि आपने जितने लेंथ का स्ट्रक्चर बनाया है उतने लेंथ का BBS आ रहा है कि नहीं। जैसे ये देखिए
ये जो स्ट्रक्चर है 7 मीटर का था और यहाँ टेप छोटा था इसलिए दो बार में नापना पड़ा, तो 7 मीटर यहाँ पे आपका 10 mm कम मिल रहा है। तो 10 mm के लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन आपको ये भी सही करवा लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब आप साइट पे जाएंगे, और ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब आपका बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती हैं कि 5 mm में ही आपको टॉलरेंस लेना पड़ता है। सेकंड जो बात आती है कि यहाँ देख लीजिए कि जो आपकी विर्थ है वो विर्थ प्रॉपर सभी जगह सही मिलती है कि नहीं मिलती है। अब कहेंगे विर्थ क्या है, तो दोनों वॉल के बीच में आपका छड़ खड़ा होता है। छड़ खड़ा होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होता है कि कवर कितना है। चीज़ उसके लिए ये भी करना है कि लाइन डोरी आपको बंधवानी है बिल्कुल सेंटर से, और सेंटर से बंधवाने के बाद ये जितने बाइंडर हैं या फिर जो वर्टिकल है ये दोनों तरफ के वर्टिकल की डिस्टेंस चेक करनी है। और दूसरी बात कि बॉटम में जब भी आप वॉल करें तो एक इस तरह का बाइंडर ज़रूर एक्स्ट्रा बंधवा दें, क्योंकि जब आप ढलाई करेंगे तो ये क्या हो सकता है कि टिल्ट हो सकता है या झुक सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जो बात आती है कि सेंटर लाइन आपके पास जब बंध जाती है या सेंटर लाइन आप बंधवा देते हैं, सेंटर लाइन एकदम ये कैसे मार्क होती है, ये ऑलरेडी सर्वेयर आपके यहाँ होते हैं या फिर आप किसी तरह से अपने आप से मारें यदि आप छोटी जगह पे हैं या फिर छोटा स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ लाइन डोरी मारने के बाद वो मतलब सेंटर फिक्स हो गया, इसके दोनों साइड आपको देखना है कि जो रेनफोर्समेंट आपने बांधी है वो एज पर ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों तरफ 550-550 मिल रहा है, मीन्स अंदर अंदर 1 मीटर था और 50-50 mm का कवर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। बीच में भी आपको देखना चाहिए जहाँ पे रेनफोर्समेंट इधर उधर बल्ज हो गया है या थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो वहाँ जब आप देखेंगे तो हो सकता है 10-15 mm का इधर उधर हो, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको। अदरवाइज ज़्यादा है तो फिर से रेनफोर्समेंट आपको खुलवानी होगी और उसको दबवाना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों रेनफोर्समेंट में। और ये भी ध्यान रखिएगा आप कि जब भी बाइंडर बंधवाते हैं या फिर जब आप चेकिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक चेकलिस्ट तैयार कर लीजिएगा। जब आप प्रॉपर तरीके से चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे तो आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। फिर चेकलिस्ट तैयार करने के बाद ये आपको ध्यान देना है कि सीरियल वाइज मीन्स जैसे बाइंडर के लिए कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब दूसरी बात देखिए, जैसे यहाँ हॉन्च बार छूट रहा था, अब ये हॉन्च बार यहाँ पे लगवाए जा रहे हैं, हॉन्च बार क्या होता है ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं, और ये बाइंडर कैसे बनाए गए या BBS कैसे बनाया गया, कैसे मार्किंग करते हैं और बेंडिंग करने के बाद सही एग्जैक्ट डिस्टेंस आती है कि नहीं आती है या फिर सही माप का छड़ बनता है कि नहीं बनता है। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको देखने लायक हैं दोस्तों, वो पिछले प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कभी कभी होता है कि इस तरह की रेनफोर्समेंट छूट जाती है, हॉन्च बार आपने बंधवा दिया, अब हॉन्च बार बंधवाने के बाद आप फिर से क्रॉस चेक कर लें एक बार कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रह जा रही है। यदि सारा कुछ सही मिलता है तो आप कॉन्क्रीटिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं, नेक्स्ट पोर कार्ड साइन कर सकते हैं। पोर कार्ड क्या है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, ये साइट पे बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। ये यदि आपने 8 या 10 पॉइंट के चेकलिस्ट बना लिए तो आप कभी भी चेकिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी और कोई कठिनाई महसूस नहीं करेंगे, और आपका जो काम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा और अच्छी तरीके से होगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इसलिए मैंने बनाया दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग कि प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, तो ये सारे चेकलिस्ट के मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।